स्वागत आप सबका एक और नए फ्रेश एपिसोड में। बात करने वाले आज टाटा हैरियर के टॉप वेरिएंट के बारे में। आप सोच रहे हैं कि टॉप वेरिएंट की फोटोज वीडियोस तो आपने देख ली, बट रुको मेरी बात तो सुनो। जो टॉप वेरिएंट है वो एक वेरिएंट नहीं है, वो चार हैं। फियरलेस की अगर हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करें तो एक फियरलेस है, फियरलेस का डार्क एडिशन है, फियरलेस प्लस है और एक फियरलेस प्लस का भी डार्क एडिशन है। तो ये सारी जो वेरियंट्स हैं इनके बारे में समझाना है हमारा काम, वीडियो को एंड तक देखना है आपका काम। स्मार्ट हो चाहे प्योर हो, चाहे हो एडवेंचर, उसकी डिटेल वीडियोस ऑलरेडी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। हैरियर हो या सफारी, सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे। चेकआउट जरूर कर ले हमारे यूट्यूब और फेसबुक डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए। एंड मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी और वीडियोज़ भी इनके ऊपर आ रही है जिसमें कंपेरिजन है, वो बहुत जल्दी आ जाएंगे। एग्जैक्ट डिटेल्ड वीडियोज़ जो हैं वो भी बहुत जल्दी आ जाएंगे, तो चेकआउट कर ले, सब्सक्राइब करके रख लें, बेल आइकन पर क्लिक रखें ताकि मिस ना हो जाए नोटिफिकेशन। शुरुआत करते हैं अब इसके वेरियंट से। देखो अब फीचर्स इसमें बहुत ज्यादा आते हैं, यानी कि स्मार्ट प्योर एडवेंचर में भी बहुत सारे फीचर्स हैं, तो मैं टॉप वेरिएंट वाले फीचर्स आपको थोड़े से समझाने वाला हूं अभी। बाकी के नीचे के सारे वेरिएंट्स बताऊंगा ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं आपके लिए एक चार्ट लगा रहा हूं यहां पर, स्मार्ट वेरिएंट का, प्योर वेरिएंट का, एडवेंचर वेरिएंट का, एडवेंचर के सारे वेरिएंट्स लगा दूंगा। पहले आप उनको पढ़ लो 10-20 सेकंड, उसके बाद हम उसके आगे फियरलेस डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए अब गाड़ी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये है एक 2 लीटर का क्रियोटेक इंजन के साथ ऑफर करने वाली एक प्रॉपर SUV। हाँ, 4x4 वाली SUV नहीं, बट हाँ SUV। तो यहाँ पर आपको इंजन वही मिलता है, 170 PSI 350 Nm का टॉर्क जनरेट करके देता है इसका इंजन। अब माइलेज इज ओके, बट मुझे लगता है कि पेट्रोल की रिक्वायरमेंट थी, पेट्रोल से माइलेज जरूर और कम हो जाती, बट गवर्नमेंट के नॉर्म्स की वजह से, टैक्सेशन की वजह से बहुत लोग हैरियर लेना चाहते हैं, बट डीजल की वजह से रुक जाते हैं। पेट्रोल होगी तो डेफिनेटली ले पाएंगे, जनवरी फेब तक इसका पेट्रोल वी आर एक्सपेक्टिंग आ जाएगा। डायमेंशंस की बात करेंगे तो आपको ओल्ड हैरियर और न्यू हैरियर में, न्यू हैरियर ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पर आपके लिए चार्ट लगाया था, उसका भी काफ़ी अच्छा आइडिया आपको हो जाएगा। बूट स्पेस से लेकर यहाँ पर आपके लिए सब कुछ चीज़ें लिख देता हूँ, आपको एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। कुछ वेरिएंट्स में डिस्क ब्रेक फ्रंट में है, रियर में ड्रम ब्रेक्स ही है, लेकिन कुछ वेरिएंट में एडवेंचर प्लस से बेसिकली ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हो जाती हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि बेस वेरिएंट से ये अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, तो बेस वेरिएंट की वीडियो अलग से, उसे चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हाय, चलो अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फियरलेस। फियरलेस में आपको एडवेंचर प्लस के साथ क्या क्या और मिल जाता है, वो हो जाती है, एक तो स्क्रीन हो जाती है 12.3 इंचेस की, बड़ी टच स्क्रीन फियरलेस वेरिएंट में मिल जाती है। साथ में वॉइस असिस्टेंट, ड्यूल जोन फुली ऑटोमेटिक AC, यानी कि क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाता है। सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स फ्रंट में भी और रियर में भी DRL के साथ हैं, वो मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंगली 6-way पावर्ड सीट्स आपको ड्राइवर के लिए विद मेमोरी एंड वेलकम फंक्शन, और साथ में को ड्राइवर के लिए 4-way पावर एडजस्टेबल सीट्स। वेंटिलेटेड फ्रंट रो सीट्स आपको मिल जाती हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर के लिए, फियरलेस वेरिएंट से शुरू हो जाते हैं। कंफर्ट हेडरेस्ट आपको सेकंड रो सीट के लिए मिल जाते हैं, तो जो कि ऐसे जिनके विंग्स निकलते हैं, तो यहाँ पर लिखा भी है विंग्ड, तो विंग्स निकलने से क्या होता है कि आपका हेड वहाँ ऐसे रेस्ट कर सकता है, तो जब आप सोना चाहते हो पीछे तो आप ऐसे रख के हेड रखोगे तो आपका सिर गिरेगा नहीं, तो ये एक बेनिफिट हो जाता है इस वाले हेडरेस्ट का। 9 स्पीकर सिस्टम मिल जाता है JBL की तरफ से, 4 स्पीकर्स, 4 ट्विटर्स और एक सबवूफर साथ में मिल जाते हैं इसका। JBL का ही ऑडियो वर्क्स और JBL के अलग अलग म्यूजिक मोड्स, ये नाम के ही वैसे, मतलब ठीक है काम करते हैं, और उसको ऐसे लिख के काउंट करना ज़्यादा हो जाता है। और अब कंप्लीट जो लेदरेट अपहोस्ट्री है वो डिफरेंट है फियरलेस में, यहाँ पर आपको एसेंस भी देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं वो। टेरेन रिस्पॉन्स का जो मोड सिलेक्टर है, यानी कि आप अलग अलग जो वेट है जैसे रफ है उसमें यूज़ कर सकते हो, उस पर डिस्प्ले भी है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती, प्रीमियम लगती है। LED फॉग लैंप्स तो आपको पहले से ही मिल रहे थे एडवेंचर प्लस में, लेकिन साथ में कॉर्निंग फंक्शन भी आपको मिल जाएगा फियरलेस में। ऑटो डिमिंग IRVM आपको फियरलेस से मिलता है, उसके अलावा पहले तो आपको मैनुअल IRVM ही मिलता था। एडवांस ESP विद ड्राइवर डोज ऑफ अलर्ट, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम पहले से ज़्यादा एडवांस्ड है, और साथ में अगर आपका स्टेयरिंग से हाथ थोड़ा सा लूज होता है, ग्रिप लूज होती है, तो गाड़ी को पता लग जाता है और वो अलर्ट देता है कि भाई थोड़ी रेस्ट करो, कॉफ़ी पियो, नींद आ रही है, रुक जाओ। जैसे अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, बट ये वीडियोज़ कंप्लीट करना ज़रूरी है आप सबके लिए। हिल डिसेंट कंट्रोल आपको इस वेरिएंट से मिल जाता है, रियर फॉग लैंप्स आपको ऑफर किए जाते हैं, और ऑफ कोर्स पर्सोना के हिसाब से आपको इंटीरियर जो है वो डिफरेंट मिलता है। ये हो गया फियरलेस वेरिएंट। अब इसी में अगर आप डार्क एडिशन ले लेते हो तो 19 इंचेस के डार्क अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, और ऑफ कोर्स ऑल ब्लैक इंटीरियर हो जाता है, बाकी फीचर्स आपको सेम ही मिलेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप वेरिएंट। अब देखो, एक तो वैसे हाँ इसमें ऑटोमेटिक का कंपनी ने क्लियर नहीं किया, बट मेरे हिसाब से फियरलेस में नहीं है, फियरलेस प्लस में ऑटोमेटिक है, ठीक है। और ओके,
फियरलेस प्लस किस बात स्पेसिफिकली करें तो 6 एयरबैग्स तो देखो बेस में ही थे, तो फियरलेस प्लस में एक और एयरबैग दे दिया नी एयरबैग, तो 7 एयरबैग्स अब टोटल हो जाते हैं। ADAS के फीचर्स जो हैं वो आपको इस फीचर्स इस फियरलेस प्लस में जो है वो मिलने शुरू हो जाते हैं, और 11 टोटल फीचर्स हैं इस जिसमें आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल भी मिलता है। लेन कीप असिस्ट अभी भी नहीं ऑफर किया जाता है, ज़रूर ध्यान रख लें। और लेन कीप असिस्ट ना ऑफर करने का हो सकता है कि अभी भी हाइड्रोलिक स्टीयरिंग तो नहीं है। अरे यार प्लीज़ ऐसा ना हो। जेस्टर कंट्रोल, आपको पावर टेलगेट जो है, पावर टेलगेट हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे हैरियर और सफारी जैसे प्रीमियम व्हीकल्स में, जितनी महंगी हैं लेकिन पावर टेलगेट नहीं आता, तो अब वो आपको मिलना शुरू हो गया, तो पावर टेलगेट इज़ अवेलेबल। कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजी जो है वो आईरा 2.0 के साथ है, यानी कि और ज़्यादा एडवांस कनेक्टेड फीचर्स हैं। JBL स्पीकर्स पहले 9 थे यानी कि फियरलेस में, अब एक स्पीकर और ऐड करके उसे 10 बना दिया गया, तो 10 JBL स्पीकर्स का पूरा सिस्टम मिल जाता है। और इतना ही नहीं, अलेक्सा के वॉइस कमांड्स भी और कार टू होम फंक्शनैलिटी भी आपको मिल जाती है। एमरजेंसी कॉल एंड ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट भी मिलता है, जहाँ पर ई कॉल और बी कॉल का ऑप्शन मिलता है कि गाड़ी कभी ख़राब हो जाए तो ब्रेकडाउन, एमरजेंसी अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम वैसे है या उसके अलावा कोई चोरी है या उस तरीके में, आप ई कॉल का बटन प्रेस कर सकते हो अगर आप इमरजेंसी में हो तो, मेडिकल इमरजेंसी भी। तो ये हो गए फियरलेस प्लस वेरिएंट। अब इसी का डार्क वेरिएंट, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आया था फियरलेस प्लस डार्क, जिसमें 19 इंचेस के स्टाइलिश ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स एंड डार्क, सॉरी ड्यूल टोन नहीं, डायमंड कट आपको डार्क एलॉयज मिल जाते हैं एरो इंसर्ट्स के साथ, और एक्सक्लूसिव परसोना इंटीरियर यानी कि ऑल ब्लैक इंटीरियर ऑफर किया जाता है। अब ये वाला वेरिएंट जो है यानी कि फियरलेस प्लस डार्क इज द टॉप वेरिएंट, ये होगा सबसे ज़्यादा महंगा, 24-25 लाख से कम नहीं होने वाला है ये ऑटोमेटिक में। फियरलेस प्लस डार्क जो है वो दोनों ही वैसे वेरिएंट्स हैं कि अगर आप पैसे थोड़े से बचाना भी चाहते हो तो इनका मैनुअल ले सकते हो, अगर आपकी ड्राइविंग कम है, अगर आपकी ड्राइविंग ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली आप ऑटोमेटिक की तरफ जाएं, क्योंकि आप 24-25 लाख लगा रहे हो तो थोड़े से और सही, क्योंकि ये तो एक शोरूम है ना अभी भी, और ऑन रोड हम इसलिए नहीं बता सकते आपको बिकॉज हर स्टेट का ऑन रोड डिफरेंट होता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मेरे को पता, कई लोग नाराज होते हैं कि यार तुम एक शोरूम प्राइस बताते हो, एक शोरूम बताते हो, बट ऑन रोड कैसे बताएं, बहुत वेरिएशन है। चंडीगढ़ का पौंडीचेरी का प्राइस अलग, महाराष्ट्र गुजरात बैंगलोर का कितना फर्क आ जाता है, कर्नाटका का प्राइस बहुत महंगा पड़ता है RTO, तो वो वेरिएशन इतनी ज़्यादा होने की वजह से हम ऑन रोड प्राइस आपको नहीं बता पाते। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो दिस इज़ द टॉप वेरियंट। इसी तरीके से हमने आपके लिए एडवेंचर प्लस, स्मार्ट, प्योर सब की वीडियोस बनाई हैं, आप ज़रूर उन्हें चेकआउट करें, आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। टॉप वेरिएंट में और भी बहुत सारी एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जिनको हम एक्सप्लेन करेंगे जब हम इनका एक्चुअल वॉक अराउंड करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ, सब्सक्राइब करके रखें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, डिटेल वीडियोस बहुत जल्दी आपके लिए आने वाली हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइज, बाय बाय।